वेलकम बैक टू आवर न्यू शो डी सी एडवोकेट। आज हम आ चुके हैं दिवाली स्पेशल शो लेके और आज हम सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि लोग कितना जानते हैं दिवाली के बारे में, और आज हम उनसे पूछने वाले हैं कि वो दिवाली के बारे में कितना जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने शो की। अंकल जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा दिवाली से रिलेटिव कि दिवाली में हम क्या करते हैं, दिवाली में ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? दिवाली में क्या करते हैं? हाँ, जैसे दिवाली क्यों मनाते हैं ये बताइए। दिवाली आज हमारा वो है, वो साइड हो जाए इधर आ जाए। राम राज्य जब हुआ है, जब राम लक्ष्मण सीता घर आए राज दरबार में अपने, इसलिए हमारी राज माता राज दरबार। अच्छा, कहाँ आए थे राम जो आए थे, वो कहाँ? अयोध्या में आए थे। अयोध्या में आए थे, सही बताया अंकल जी ने। राम अयोध्या में आए थे, 14 साल का अपना वनवास पूरा करके अयोध्या में आए थे ना, सही है। दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और ऐसे कौन भगवान है जिनकी साथ में पूजा की जाती है? पूरा की जाती है, सबसे पहले तो गणेश है। जी बिल्कुल, गणेश की पूजा की जाती है, सही बोले अंकल जी आपने, गणेश जी की पूजा की जाती है ना। गणेश है जी अंकल जी, अंदर जो भी देवी देवता है जी वो बाद में है। जी बिल्कुल, गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद हमारे, ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अच्छा, एक और है अंकल जी के लिए। श्री कृष्ण द्वारा इंद्र देव की पराजय होने पर गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, इसे दिवाली के किस दिन मनाई जाती है? दिवाली के दो दिन बाद, कल नहीं, आज दिवाली है, कल गोवर्धन पूजा, परसों भाई दूज है। नहीं तो ये श्री कृष्ण द्वारा इंद्र देव पराजय होने पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, ये दिवाली के कितने दिन बाद मनाई जाती है? एक दिन बाद, गोवर्धन पूजा कब जो है, एक दिन बाद मनाई जाती है ना। और हमारी योगी, दिवाली के त्यौहार पर बनाई जाने वाली रंगीन डिजाइन कौन सी है? घर पर रंगीन डिजाइन बनाते हैं? हाँ, आपकी लड़की बनाती हो जो घरों में दरवाजे पर बनाते हैं, क्या नाम उसका, नाम भूल गया मैं उसका, ऑप्शन रंगोली। हाँ रंगोली, सही बोले, मैं ऑप्शन देने वाला था अंकल जी, रंगोली बनाते हैं, सही बोल रहे हो। अच्छा, दिवाली का उत्सव इनमें से किस विशेष दिन के 20 दिन बाद मनाया जाता है? दिवाली का उत्सव किस विशेष दिन के 20 दिन बाद मनाया जाता है? मैं ऑप्शन दे, बाद की 11 दिन बाद, 20 दिन बाद, 20 दिन बाद मैं बताता हूँ, रामनवमी, तुलसी विवाह, विजयदशमी, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, विजयदशमी अंकल जी, विजयदशमी के 20 दिन हुए। वैसे आपकी एज सही है, इसलिए आप ज़्यादा भी जानते हैं। वैसे नॉर्मल मैंने और भी जो थे उनसे मैंने ये भी पूछा ना कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो जो आज के यंग है उन्हें यही नहीं पता दिवाली क्यों मनाई जाती है, इस बात पे कुछ कहेंगे आप? दिवाली तो मनानी चाहिए, हमारा तो वो मनानी चाहिए, साथ में उन्हें ये भी पता होनी चाहिए कि क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हमारा इस टाइम जो आए हैं राम जी आए हैं वनवास करके अयोध्या पहुँचे हैं मंदिर में। ये बिल्कुल सही जवाब है अंकल जी आपका। अच्छा, दिवाली के 5 दिन में से कौन सा दिन बर्तन, सोना, चांदी, आभूषण खरीदने के लिए प्रमुख रूप से माना जाता है? छठ पूजा के लिए। नहीं, दिवाली के 5 दिन में से कौन सा दिन, नहीं 5 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले, 5 धनतेरस। बिल्कुल अंकल जी ने सही जवाब दिया, धनतेरस। वैसे मैंने साथ ही साथ ऑप्शन भी लाके रख रखे, कभी एक दिन पहले आता है, कभी 5 दिन पहले भी आता है। जी बिल्कुल, मैंने इसलिए साथ में ऑप्शन भी लेकर आया कि अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं उनको ऑप्शन देके भी बता दूँ। बस आज तो अंकल जी इतना ही, मैंने जितने भी सवाल पूछे आपसे आपने सारे सही जवाब दिए, ये सारी चीज़ें हम दिवाली में करते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच अंकल जी, थैंक यू। आपको ये हमारा शो कैसा लगा जो कि स्पेशल हमने दिवाली के लिए लेकर आए थे, और स्पेशल दिवाली से रिलेटिव ही हमने एक क्वेश्चन पूछा, और एक ही जगह पे हमें उन सभी सवालों के जवाब मिल गए। तो आपको ये बताना है कि ये शो कैसा लगा आपको।